हमारे इंडियन पेस्ट्री इंडस्ट्री में कुछ सही नहीं हो रहा, इसे बदलना होगा, रेवोल्यूशन लाना होगा। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled around. आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। हमारे इंडियन पेस्ट्री इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे गाइस, कि क्या हो रहा है इंडियन पेस्ट्री इंडस्ट्री में। हमारे ये टॉपिक बहुत ही सीरियस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करना। गाइस, आपका जो भी ओपिनियन है मेरे बातों से, आप अग्री करते हो डिसएग्री करते हो, प्लीज कमेंट डाउन करिएगा। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा हमारे इंडियन पीसी इंडस्ट्री के यूट्यूबर भाइयों से, कि क्या हमारा इंडस्ट्री गेमिंग चेयर अनबॉक्सिंग, पेरिफेरल अनबॉक्सिंग, कैबिनेट अनबॉक्सिंग, इंडियन पीसी सेटअप वार्ड, हर अगला दिन पीसी बिल्ड, क्या यही बाउंड्री रह गया हम लोग का इंडियन पीसी इंडस्ट्री का, कि यही लिमिट है? पीसी इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है गाइस, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो लोगों को नहीं पता। लेकिन पता कहां से चले, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में तो वीडियोस ऐसे बनते हैं, गेमिंग चेयर, इंडियन पीसी सेटअप वार्ड, ये कीबोर्ड माउस का हम लोग दिखा रहे हैं आपको, रिव्यू कर रहे हो, आज वो कीबोर्ड माउस का रिव्यू कर रहे हैं। यार यही चलेगा तो कैसे पता चलेगा लोगों को? यार यूपीएस, जो कि सिंपल है, अगर आप ऐसा जगह रहते हो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आता जाता रहता है तो आप लोग यूपीएस लो, वरना मत लो। और अगर आप लोगों को बैकअप का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल एडिटिंग वगैरह में, तो आप लोग लो। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑटो सेव हो जाता है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई ऑटो सेव होने में भी टाइम लगता है, अब उस बीच में अगर इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो क्या करोगे? तो उस सब केसेस में आप लोग यूपीएस लो। अब ये चीज मैंने कितना जल्दी बता दिया, इस चीज के लिए 11 मिनट का वीडियो बनाने का कोई मतलब है? ऐसा बनाया गया है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ऐसे हम इंडियन पीसी इंडस्ट्री में ग्रो करेंगे? यार बाहर के पीसी यूट्यूबर्स लोग जाके देखो, वो लोग का कंटेंट देखो, वो लोग किस तरीके का वीडियो बनाते हैं वो देखो, कंटेंट देखो। यार क्यों ऐसा हर बार होता है कि हम ही लोग वो लोग से सीखते हैं? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग हम लोग से सीखे? क्योंकि हम लोग तो भाई सेटअप वॉर करेंगे, गेमिंग चेयर ये करेंगे, फिर उसके बाद क्या हम लोग का ये अनबॉक्सिंग करेंगे, यही सब में बंधे हुए हैं, तो कहां से ग्रो करेंगे? लोग हैं हमारे इंडियन पीसी इंडस्ट्री में जो लोग अच्छा वीडियोस बनाते हैं, उनका वीडियो से हर बार कुछ सीखने को मिलता है, जैसे हमारे इंडियन गेमर भाई, इन टाइप के लोगों को दिल से रिस्पेक्ट है गाइस। लेकिन ये लोग बहुत ही कम है, चुनिंदा एक या दो होंगे, मेजोरिटी में लोग तो भाई यही सेटअप वॉर पीसी बिल्ड अनबॉक्सिंग यही टाइप के वीडियोज है। इसलिए जब हम लोग को किसी को कोई पीसी में नॉलेज गेन करना होता है तो हम लोग को बाहर के यूट्यूबर लोग को वीडियो देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंडियन यूट्यूबर लोग तो ऐसा वीडियो नहीं बनाते। क्यों, कहां से बनाए? वो लोग तो बस ये सेटअप वॉर यही सब, मतलब यही सब में घुसे हुए हैं। चलो पीसी बिल्ड्स का वीडियोस का बात करते हैं। अब पीसी बिल्ड में जो पीसी का पार्ट्स यूज होता है उन चीज का नॉलेज कौन देगा? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ, रोटी खाते हो, पता है रोटी खाने का चीज है तो खाते हो उसको, वैसे ही पीसी में कौन पार्ट क्या वर्क करता है, उसका क्या यूज है बिल्ड में, वो चीज का नॉलेज देने का जिम्मेदारी है कि नहीं? जैसे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया जिसका नाम है पीसी नॉलेज प्लेलिस्ट, उसमें मैं पीसी का हर पार्ट का इन डेप्थ नॉलेज देता हूँ। अभी एसएसडी का वीडियो है, धीरे धीरे सब पार्ट्स का वीडियो आएगा उसमें। इसी तरीके से बाकी सब हमारे भाइयों को भी कुछ ऐसा ही कुछ करना चाहिए, कुछ प्लेलिस्ट बनाया, फिर कोई भी तरीका कुछ भी करे, जैसे हमारे जो ऑडियंस है उन लोग को नया नया चीज के बारे में नॉलेज दे, नया नया चीज बताए कि पीसी इंडस्ट्री में नया नया चीज क्या हो रहा है, नया नई चीज क्या इवॉल्व हो रहा है, हर एक चीज के बारे में नॉलेज दे। लेकिन नहीं भाई, ये सब चीज तो नहीं करेंगे क्योंकि सेटअप वॉर आई नो कि हमारे जो इंडियन कम्युनिटी है पीसी इंडस्ट्री की वो बहुत ही नॉलेजेबल है, वो लोग को बहुत नॉलेज है, आई अग्री। बट अगर मान लीजिए कोई नया बंदा हमारे इंडस्ट्री में आना चाहता है तो उसको नॉलेज कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जब वो कुछ नॉलेज के लिए रिसर्च करेगा तब वो देखेगा कि उसके पास चारों तरफ तो ये सेटअप वॉर्ड, ये पीसी बिल्ड हो रहा है, ये अनबॉक्सिंग हो रहा है, यही सब वीडियोज मिल रहे हैं, तो भाई वो ग्रो कैसे करेगा, उसको नॉलेज कैसे होगा? इस चीज का हम लोग का जिम्मेदारी है कि नहीं कि भाई उस नया बंदा जो आया है हम लोग इंडस्ट्री में उसको अच्छे से नॉलेज दिया जाए ताकि वो भी हम लोग के साथ ग्रो कर सके? लेकिन नहीं भाई, हमें तो सेटअप वॉर्स करना है। वेलकम टू इंडियन पीसी इंडस्ट्री गाइस, वेलकम। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कीबोर्ड का साइज के बारे में समझा रहा है कि कौन सा साइज आपको लेना चाहिए, ठीक है, 70% कीबोर्ड ऑर्डर 90%, भाई वो सब छोड़ो, सीधा सिंपल से इसका आंसर है, अगर आप हार्डकोर गेमर हो, आपको सिर्फ 4-5 कीज का जरूरत है जो गेमिंग के लिए स्पेशली जरूरत होता है, तो आप एकदम छोटा वाला जो कीबोर्ड आता है वो लो। अगर आप लोग ऐसा हो जिसका साइज आपका पीसी सेटअप का थोड़ा छोटा है, आपको गेमिंग भी करना है, एडिटिंग करना है, बाकी नॉर्मल यूज भी करना है, तो आप लोग वो 70% वाला लो। और अगर आप लोगों का अच्छा खासा जगह है, आप लोग हर बेसिक काम करना है और आपको बेसिक कीबोर्ड चाहिए, तो भाई जो नॉर्मल कीबोर्ड आता है वो लो, बात खत्म। इसके लिए भाई 8-8 मिनट का वीडियो। और भाई 1-1 लाख का बिल्ड में B450 GB का मदरबोर्ड यूज किया जा रहा है, B550 GB DS3HEC मदरबोर्ड यूज किया जा रहा है, 10-12 हजार का मदरबोर्ड। भाई 1 लाख का बिल्ड में 10-12 हजार का मदरबोर्ड यूज करना चाहिए, आप लोग बताओ उससे ज्यादा डिजर्व करता है कि नहीं 1 लाख का बिल्ड मदरबोर्ड? क्यों बनाएंगे भाई, क्योंकि हम लोग कोई मतलब ही नहीं है, यही है हम लोग की इंडस्ट्री गाइस, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को सही चीज मिले इससे किसी को कोई मतलब नहीं है,
सच बात बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ। चलो समझ में आता है, 20,000, 30,000, 40,000 के आसपास का बिल्ड हो रहा है, तो भाई उसमें अगर आप B450 का मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, समझ में आता है, बजट रेंज में हो जाता है। आजकल V2 जो है आप लोग गीगाबाइट का, वो 6-7 हज़ार में आता है, तो बजट रेंज में आप लोग का बिल्ड बन जाता है B450 में। B550 में बहुत सारा वेरियंट है, ठीक है, लेकिन भाई 1-1.5-1.5 लाख का पीसी बिल्ड में ये सब, क्या ये सही बात है? जैसे चिपसेट होता है B450, Z790, ये सब चिपसेट है। अब मोस्टली लोग को ये नहीं पता कि चिपसेट क्या होता है, मदरबोर्ड में चिपसेट का क्या इंपॉर्टेंस है मोस्टली लोग को नहीं पता। साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज, हाँ हम लोग का डेटा कैसे फ्लो होता है हम लोग का पीसी में, वो किसी को नहीं पता। वो सब क्या पीसी खुद से बोलेगा, मेरा पीसी है, मेरे को ऐसे बोलेगा, ए भाई मेरा B450 चिपसेट का मदरबोर्ड है, मैं B450 भाई, ये बोलेगा कि हम लोग को बताना पड़ेगा लोग को कि भाई ये चीज होता, तब जाके लोग को नॉलेज होगा। सेटअप वर्ड्स करो, सेटअप वर्ड्स। इसलिए तो मैंने बोला, वो तो है ना कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, मुस्कुराइए आप इंडियन पीसी इंडस्ट्री में। और भाई पावर सप्लाई, भाई एंटेक एंटी स्पोर्ट्स का तो क्या ही बोले भाई, लोग सर्कल का पावर सप्लाई यूज किया जा रहा है अब भाई, कुछ बोलने का ही नहीं है, छोड़। हमारे इंडस्ट्री के मोस्टली चैनल्स प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस बनाते हैं, चलो ठीक है, लेकिन भाई अगर कोई 10 वीडियोस बना रहे हैं तो 10 में से 7-8 वीडियोस तो प्रोडक्ट के बारे में ही रहता है यार। चलो 3-4 वीडियो बनाए प्रोडक्ट के बारे में, बाकी वीडियोस में नॉलेज दे, कुछ सिखाए नया चीज लोग को, पीसी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, पीसी का कोई नया चीज नहीं, 7-8 वीडियो बनाएंगे वैसे, और नॉलेज वगैरह के वीडियो कितना, 1 या 2। ऐसे कोई आदमी, कोई बंदा कैसे कुछ सीखेगा, कैसे उसका नॉलेज बढ़ेगा यार, ये चीज ठीक करना होगा कि नहीं गाइस। ऐसे ग्रो करेंगे हम लोग, ऐसे ही चलता रहा तो भाई हम लोग का जो पीसी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड हो यहाँ रहेगा, फॉरेनर लोग को अभी यहाँ है वो यहाँ हो जाएगा, और हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, सेटअप वर्ड अनबॉक्सिंग यही सब करते रहेंगे। अगर इसमें मैच करना है ना ये लोग को, फॉरेनर लोग को मैच करना है ना, तो वी नीड टू ब्रिंग रेवोल्यूशन इन आवर इंडस्ट्री, एंड रेवोल्यूशन आएगा इंडियन पीसी इंडस्ट्री में, जरूर आएगा।